नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार, न्यूज 11 भारत खास पेशकश जनादेश 2024 ग्राउंड जीरो में। अभी हम कुटी लोकसभा क्षेत्र में गए और वो गांव जहां के लोग कृषि पर आधारित है और कृषि के साथ साथ लोग अपना व्यापार भी करते हैं, और वो व्यापार मछली पकड़ने का, और उससे पूरा परिवार चलता है। एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसे मछली पकड़ा जाता है वो जाल बुन रहे हैं लोग यहाँ पर, और यही एक व्यापार है कि या तो इसको यहाँ से इस जाल को बेचते हैं या इसका उपयोग करते हैं। ये थोड़ा हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ सामने ये जाल तैयार हो चुका है, ये पूरा मछली पकड़ने का ये जाल है वो तैयार हो चुका है, लेकिन अब चुनावी जाल शुरू हो चुका है। अब ये चुनाव है और जैसे इस जाल में मछली पकड़ाएगा, ठीक उसी तरह इस चुनाव में उस प्रत्याशी को पकड़ना है जो प्रत्याशी आपके लिए हो और आपके लिए आपके सुख दुख में हर वक्त काम आता हो। तो चुनाव आ गया है, आ गया ना, वोट करना है ना उनकी बात है। वोट करेंगे तो कैसा प्रत्याशी हो आपका, नेता कैसा चाहते हैं? घर बाप मा क्यों नहीं खे, आमार बहिन घर दीदी लगी तो ऐसा क्यों नहीं खे, खने माछ खड़ा धरे करे जाल जुल नहीं खासे। हाँ आमार मिले विधवा, हाँ मिले। देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो योजना जो गरीबों को निवाला देने का योजना गांव के लोगों तक पहुंचा, और निश्चित तौर पे 365 दिन प्रत्येक माह लोगों को अनाज मिलता है, एक व्यक्ति को 5 केजी। भले ही नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी की जाने नहीं, लेकिन देने वाला का नाम जरूर वो समझते हैं। अब आप समझिए कि वाकई देश के प्रधानमंत्री उन गरीबों के लिए क्या सोचा है, उन गरीबों के लिए जो दो वक्त की रोटी के नहीं मिलने के कारण लोग भूखे सोते थे, लेकिन अब लोग भूखे नहीं सोते हैं, प्रत्येक माह लोगों को अनाज मिलता है। आप काम करें या ना करें, लेकिन आपको प्रत्येक माह घर में अनाज, चावल और गेहूं जरूर मिलेगा, यही है मोदी की गारंटी। अनाज मिलता है खाने के लिए? तो मिलते 40 स्टोर। अच्छा, आयुष्मान कार्ड है? अच्छे। अच्छा, उसके बाद खाता खोल से जनधन योजना का खाता की बैंक में? हाँ। खाता अच्छे अच्छे। गैस सिलेंडर भी अच्छे? नहीं, गैस सिलेंडर घेना वाला अच्छे, घेना वाला अच्छे। गैस सिलेंडर तो फ्री में मिले? फ्री नहीं मिले, नहीं आखुन की बात नहीं, पहले नहीं मिला, नहीं अंदर घेनी छिटा अच्छे। देखिए लोकतंत्र का ये महापर्व है और महापर्व में हम गांव में अभी हैं और ग्राउंड जीरो से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई इस बार के लोकतंत्र के महापर्व में जो नेता को चुनना है वह कैसा चाहिए नेता। दादा एदी की बारी रतकीडी। अच्छा, चुनाव है, वोट होने वाला है ना? वोट तो होने वाला, उसका तो हवा भी तो कहा नहीं। हाँ, वोट होने वाला है। हाँ। तो वोट करेंगे ना? तो वोट तो, हाँ वोट तो नहीं होगा। हाँ। तो आपके गांव में क्या नहीं हुआ है, क्या क्या चीज चाहिए आप लोग? हम लोग के गांव में ऐसे बहुत कुछ बाकी है, जैसे कि जो पानी का व्यवस्था ज्यादा बना हुआ है, आधा पानी आ रहा आधा नहीं आ रहा, एक तरफ पाइप लगा हुआ है एक तो साइड में नहीं लगा हुआ है। प्रॉब्लम तो वही सबसे मेन प्रॉब्लम वही है, बाकी प्रॉब्लम तो अपना। हाँ, तो देश के प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी। अरे क्या बात है, तो मोदी जी कैसा है? ठीक है, काम कर रहे हैं? काम तो अपने जगह में सही है, बाकी कौन क्या कर रहा हो तो देख नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन अपने कर जगह ठीक है। उनका योजना का लाभ मिल रहा है आपको? आयुष्मान कार्ड है? आयुष्मान कार्ड तो हमारा नहीं है, लेकिन लोग को बना है। हाँ, बहुत आदमी बनाया है, बाकी जो मंत्री निवास बस आ रहा है सब हम लोग का कुछ अभी तक हुआ नहीं। मेरा जनधन योजना का खाता खोले बैंक में? हाँ, बैंक में है। खुलवा लिए ना? फ्री गैस सिलेंडर मिला था? नहीं सर, नहीं मिला। नहीं बोले नहीं नेता को आप अपना? दो बार मेरा भी गया था वहाँ पर सिलेंडर लाने के लिए, अभी तक मिला नहीं है। नहीं। कि वाकई देश के प्रधानमंत्री का जो योजना है वो धरातल पर है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार की कमी है, जिसके कारण सभी लोगों तक वो नहीं पहुंच पाया, लेकिन
निवाला एक ऐसा चीज जो हर घर तक पहुंच चुका है, देश के प्रधानमंत्री चूल्हा तक पहुंच चुके हैं। लोगों को अनाज देना, लोगों के दो वक्त का रोटी देना, उन्होंने जो वादा किया था वो वादा अब पूरा होता दिख रहा है। गांव के लोग कहते हैं कि भले ही हम देश के प्रधानमंत्री को नहीं पहचानते हैं, लेकिन जनधन योजना के तहत खाता भी खुला, आयुष्मान कार्ड भी गए और दो वक्त की रोटी भी मिली। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और ग्राउंड जीरो ये जानने निकले हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कैसा हो प्रत्याशी। सीधे गांव के लोग से हम बात करेंगे क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है, ज्यादा वक्त नहीं है। यहां के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा भारतीय जनता पार्टी से और कालीचरण मुंडा कांग्रेस से, इन दोनों लोगों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अर्जुन मुंडा के नामांकन में एक जन सैलाब उमर पड़ा था, ऐसा भी कि मानो आज ही जीत इन्होंने दर्ज कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार और गारंटी पर लोगों को कितना भरोसा है। सीधे गांव के लोग से बात करेंगे। सर अच्छा एक चीज बताइए, अपना वोट है, अपना मन है, आदमी निश्चित तौर पे देगा। एक चीज बताइए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम कैसा लगता है? ठीक है, ठीक है। कोई ऐसा काम बताइए जो बहुत अच्छा लगा कि जी होने वाला नहीं था वो कर दिया? राम मंदिर। रक्षा की बात करें, देश की रक्षा की बात करें, रक्षा भी कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, भारत का नाम ऊंचा हुआ है देश में, विदेश में भी। प्रधानमंत्री कैसा चाहिए? प्रधानमंत्री यार हम क्या बोलें, वो तो हम नहीं बोल पाएंगे अभी। नहीं कैसा चाहिए, वैसा ही चाहिए ना जो देश का रक्षा करने वाला हो। तो देश नहीं, पहले भी तो देश अच्छा था, ऐसा बात नहीं, लेकिन अच्छा किए हैं मोदी जी। एक और चीज है कि गरीबों का अनाज लगातार मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। कितना मिलता है? यूनिट के हिसाब से, घर में चार है तो चार यूनिट पांच पांच किलो देता है। आप देखिए इस गांव को देखिए और उसके बाद समझिए कि वाकई 2024 का ये चुनाव है, 2024 के चुनाव में आखिर जनता क्या चाहती है। क्योंकि देखिए जनता सब कुछ जानती है और जनता को ही अपना वोट करना है, अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। और इस इलाके की बात करें, ये खूंटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। सर वोट करना है ना? हाँ मत तो करना है, वोट नहीं करने से कैसे होगा बोलिए। इस बार किस मुद्दा पर वोट करेंगे लोग, क्या काम करवाना है? क्या करना है? तो बोल रहे क्या क्या बोला चाचा, पानी की व्यवस्था वही है यार। पानी का हम लोग ज्यादा, हम लोग रोड सोड का कुछ डिमांड नहीं हो गया, और जो कर दिया मुंडा वो ठीक है, अभी चल रहा है। पानी का थोड़ा दिक्कत है, कुछ नहीं। देश के प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? ऐसा देश के प्रधानमंत्री ठीक है, पानी बड़ी समस्या है हम लोग का, यहाँ पानी का ही समस्या है। एजुकेशन के पढ़ाई लिखाई के स्कूल है? हाँ स्कूल है, गांव में उत्कर्म मध्य विद्यालय भी दे। हाई स्कूल है? हाई स्कूल दुगनी में सोना चाहे, एक किलोमीटर है दुगनी, गांव में नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य का बात करें, इलाज गुरुवार को होता है, उन लोग आते हैं स्वास्थ्य केंद्र में, वो लोग आते हैं। मैडम दोटो है। निश्चित तौर पे इस गांव की बात अगर करें तो गांव में जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं यहां पर लोग बता रहे हैं कि एजुकेशन की बात करें तो सिर्फ मध्य विद्यालय तक है, यहां हाई स्कूल नहीं है। यहां तक हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को यहां से दूसरे गांव में जाना पड़ता है। इस गांव में स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं है, जो 365 दिन होना चाहिए। पानी को लेकर लोग परेशान रहते हैं, जबकि मनुष्य का जीवन का सबसे अहम चीज है पानी, इसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। लेकिन ये ऐसा इलाका जिस इलाके के लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को सराहना कर रहे हैं। लेकिन अब जरूरत है स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान होना। इस गांव में पानी चाहिए, इस गांव में शिक्षा के लिए स्कूल चाहिए, इस गांव में स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र चाहिए। हमारे साथ और हैं लोग, उनसे भी बात करके, दादा आपके गांव में क्या क्या चाहिए? बोलो भाई रख सीधा सब कुछ। निश्चित तौर पर देखिए सब लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं, गांव के लोग हैं, लेकिन एक बार हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बाबू ठीक हो? तुम्हारे गांव में पानी की समस्या है? हाँ,
कहाँ से पानी लाते हैं? नदी से। नदी से पानी? नदी के पानी पे ही आप वहाँ से मिलते हैं। अनाज मिलता है? अनाज तो हमको नहीं मिलता है, नहीं मिलता है हमको। और फ्री वाला नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। खाता खुलवाए थे? खाता तो खुलवाए हैं। खुलवाए हैं? अच्छा, आयुष्मान कार्ड बने? हाँ बना है। अब आप समझिए, खाता भी खुला, आयुष्मान कार्ड भी बना, सब कुछ हुआ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मनुष्य के जीवन का पानी होता है। कि अगर पानी नहीं है, हम एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि देख लीजिए पानी के लिए, हालांकि पानी अभी आया है, पानी के जद्दोजहद कैसा शुरू है वो देख लीजिए कि धीरे धीरे बूंद बूंद, ऐसे भी कहा गया है कि बूंद बूंद जो है वो तालाब भरता है, बूंद बूंद पानी जो है लोगों के घड़ा में गिर रहा है। यानी पानी की वो समस्या, नल यहाँ पाइपलाइन तो बिछा दिया गया, लेकिन आखिर पानी कहाँ से आए, ये बड़ी समस्या है। देश का चुनाव है, देश के चुनाव में लोकतंत्र का महापर्व है, और इस महापर्व में लोग अपनी भागीदारी करेंगे। थोड़ा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी, पानी का बहुत तकलीफ है? हाँ, है? हाँ। कितना देर में एक बाल्टी भरता है? एक घंटा। एक घंटा में? तो फिर खाना कैसे पकाते हैं आप? इतना जब से फिर बच्चा लोग को स्कूल स्कूल भेजना है, कैसे भेजते हैं? जो पानी नहीं तो किसने भरता है? नहाने का नदी में करता है? नदी नदी में। अब बताइए, अब आप समझिए एक बार कि वाकई ये गांव के लोग हैं, लोग समझते नहीं है लेकिन जानते जरूर हैं, और ये लोग राजनीतिक से ताल्लुक नहीं रखते लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री ने इन्हें क्या दिया है। एक बार गांव को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। गांव को देखिए, गांव में टावर भी लगा है, लेकिन पानी की जो हालात है इस गाँव में ऐसी है कि बूंद बूंद पानी लोगों को मिलता है। आयुष्मान कार्ड का क्या मिला है आप लोग को? बनाए हैं, यूज तो अभी तक नहीं किए हैं, क्या बताएंगे। पहले तो जब मान लीजिए हम हॉस्पिटल में चल गए, तुरंत तो पैसा नहीं है मेरे सामने, तुरंत कार्ड क्या कीजिए? कार्ड में नहीं बोला, पहले लिखा के लाओ, ये लाओ, आयुष्मान दिखाते हैं ना, तब नहीं बोलता है। तो फिर हम लोग उधारी उधारी करके देते हैं डॉक्टर को, उसके बाद पैसा आता है। उन लोग हमको बोल रहा है तुरंत नहीं आता है। कि हर जगह हम जितने गाँव में घूम रहे हैं, हर जगह यही शिकायत है कमोबेश कि आयुष्मान कार्ड तो बना है लेकिन अस्पताल वाले की मनमानी, स्थानीय प्रशासन की नाकामी का ये नतीजा है कि आम लोग भुगत रहे हैं। बीमार लोग पड़ते हैं, अस्पताल जाते हैं, लेकिन वहां पर आयुष्मान कार्ड का जो फायदा सीधे तौर पे होना चाहिए वो फायदा लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन इस गांव की बात करें, हमने पहले भी कहा कि इस गाँव में शिक्षा की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल तक व्यवस्थाएं नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। ऐसे में जरूरत है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोच, उनकी सपना गांव तक पहुंचा, लेकिन बिचौलियों के कारण लोग अभी भी के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। ग्राउंड जीरो में ये जानने निकले हैं कि क्या वाकई इस बार खूंटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि होंगे वो कैसा होंगे और लोगों की उम्मीद पर कितना खड़ा उतरेंगे, लोग क्या चाहते हैं। आधी आबादी की बात हम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री 33% आरक्षण लोगों को दे चुके हैं। एक मिनट, आपके आपके पास आयुष्मान कार्ड है? हाँ है। है ना? हाँ। राशन कार्ड है? हाँ है। गैस सिलेंडर मिला है? हाँ मिला है। राशन मिल रहा है हर महीने? हाँ मिलता है। कैसा चाहिए नेता, कैसा चाहिए? नेता तो कैसा चाहिए, अच्छा ही चाहिए। काम करने वाला? हाँ। क्या क्या काम करवाएंगे आप नेता से? क्या काम करवाएंगे? सब फैसिलिटी सब गरीब को मिलना चाहिए और क्या। हाँ, एजुकेशन में फिर अभी तो किसी को काम भी तो नहीं मिल रहा है, बेरोजगार। हाँ, पढ़ पढ़ के लोग बेरोजगार। हाँ, बेरोजगार, इतना पढ़ा लिखा है और बेरोजगार है। टीचर का भी स्कूल खोल के टीचर को भी बैठा दिया, सैलरी नहीं रहा पढ़ा रहे। अब आप समझिए कि निश्चित तौर पे एजुकेशन तो बड़ी समस्या है, हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन उससे बड़ी समस्या जो है इस क्षेत्र की बात करें तो पूरे झारखंड की बात है, पलायन सबसे बड़ी समस्या है। युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं। अब झारखंड में जब नौकरी की बारी आती है तो या तो कभी पेपर लीक होता है या कभी मामला न्यायालय में चला जाता है, जिसके कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन हम आधी आबादी की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33% आरक्षण महिलाओं को दे दी ताकि महिलाएं स्वावलंबी बने,
अपने पैरों पर खड़ा हो और पुरुषों के कंधों में कंधे मिलाकर चले। 33% आरक्षण दिए हैं, दिए हैं, दिए तो है। प्रधान कैसा लगते हैं? ठीक है, काम करने वाले हैं? काम तो करते ही है, देखिए सबका तो नहीं कर देते हैं, सही करते हैं, लेकिन नीचे पद जो आते हैं आते आते ही वो छूट जाता है, कुछ नहीं होता है, ऊपर वो करते हैं, निचला स्तर हाँ, गड़बड़ हो जाता है, ऊपर से तो वो तो करते ही है। ये समझने की जरूरत है कि गांव के लोग हैं, गांव की महिलाएं, गांव के लोग समझ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं पूरी बात, लेकिन एक बार हम गांव का नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग आ रहे हैं उनको हम रोकने की कोशिश करेंगे कि कुछ युवा हैं। नेता कैसा चाहिए? जो हमारा भला करे, हमारे बारे में सोचे। गाँव के लोग ऐसे ही होते हैं, गाँव के लोग सब कुछ खुलकर नहीं बोल पाते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो यही है, यही हम जानने निकले हैं कि क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि ये देश का चुनाव है और देश के चुनाव में जाहिर सी बात है कि कोई वोट जो करता है वो देश के मुद्दे पे करता है, लेकिन सवाल जस का तस कि क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री जो चाहते हैं उनकी योजना जो है वो गांव तक पहुंच रही है कि नहीं। महिलाएं भी कहती है कि देश के प्रधानमंत्री काम करने वाले हैं, लेकिन जब नीचे तक उतरता है पूरा मामला तो वो खत्म हो जाता है, मुंह खोलो बेटा। देश के प्रधानमंत्री का नाम सुना है? हाँ। कौन है? नरेंद्र मोदी। कैसा काम कर रहे हैं? कर रहे हैं। हाँ। देश के रक्षा की बात करें, पूरा देश पूरे विश्व में नाम हो रहा है। हाँ हाँ है? हो रहा। आयुष्मान कार्ड बना? आयुष्मान कार्ड हाँ, मेरा नहीं बने हैं, हम ही नहीं बने हैं, मतलब घर का बना है, बाकी लोग बना है, घर में बना है, बने हैं। राशन मिलता है ना? राशन मिलता है, मिलता है। और गैस सिलेंडर मिला था उस समय? हाँ मिला है। हाँ। जनधन योजना से खाता खुला बैंक में? हाँ खोले हैं। हाँ खोले हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन सबसे बढ़िया काम किए? नरेंद्र मोदी। सही आपने कहा कि देखिए निश्चित तौर पे आप समझिए कि वाकई देश के प्रधानमंत्री का वो क्रेज कि गांव के युवा कहते थे कि उन्होंने वो काम कर दिखाया जो आज तक हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि भगवान राम लला वापस घर में बैठेंगे, धारा 370 हटेगा, लेकिन निवाला देने वाला भी वही है, आयुष्मान कार्ड भी उसने ही दिया है। लेकिन कुछ महिलाएं कहती है कि जरूरत है कि बिचौलिया कम से कम इस योजना को सही से धरातल पर उतारे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।